हेलो एवरीवन, मैं हूं सीएमएस पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक रेसिजुअल हेड है। अगर हमारा कोई इनकम हम कोई भी दूसरा हेड में नहीं आ रहा है, जैसे कि सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर ये कोई भी हेड में नहीं आ रहा है और वो टैक्सेबल है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। तो कोई भी इनकम अगर और कोई हेड में हम नहीं ले रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। इन एडिशन टू दैट, पहले तो अगर कोई हेड में नहीं आ रहा है तो वो इनकम आएगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली बताया गया है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। तो क्या क्या स्पेसिफिकली बताया गया है, कौन सा इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, वो बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है डिविडेंड है, तो डिविडेंड हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। और इनकम फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, इसमें से जो इनकम होगा वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। लेकिन ये जो इनकम फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस एंड कार्ड गेम्स, इसमें जो इनकम टैक्स लगेगा फ्लैट 30% लगेगा और इसमें कोई भी एक्सपेंसेस के लिए और कोई चीज़ के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये केस में इनकम फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स में फ्लैट इनकम टैक्स रेट 30% लगेगा, नो डिडक्शन अवेलेबल। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। अगर वो अगर टैक्सेबल नहीं है, इफ नॉट टैक्सेबल एज ए बिजनेस इनकम, कोई भी इनकम हमारा दो बार उसको टैक्सेबल नहीं होगा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से बिजनेस इनकम में हम उसको ले लिए हैं ऑलरेडी, तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। तो वो एक जगह में आएगा, आइदर बिजनेस इनकम में आएगा, नहीं तो अगर बिजनेस इनकम में हम नहीं लिए हैं तो अगर वो टैक्सेबल नहीं है बिजनेस इनकम में, तो फिर वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। तो कोई इनकम दो बार टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए अगर बिजनेस इनकम में आ गया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, लेट एंड हायर, इफ नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, अगर कोई हम मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर हम हायर में दिए, उसमें से जो इनकम आ रहा है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, अगर वो पहले से हम बिजनेस इनकम में कंसिडर नहीं किए। इसके साथ अगर कोई हम बिल्डिंग भी अगर हायर में दिए हैं, जो बिल्डिंग इनसेपरेबल है, उसको हम सेपरेटली हम हायर में नहीं दे सकते, तो वो अगर इनसेपरेबल, किसका साथ इनसेपरेबल, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, इसका साथ जो हम हायर में दिए हैं, उसका साथ कोई बिल्डिंग में दिए हैं, जो बिल्डिंग में हायर में दिए हैं, जो इनसेपरेबल है, तो वो केस में भी उसमें से जो इनकम आएगा वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेना है, अगर वो टैक्सेबल नहीं हुआ है आज बिजनेस इनकम। अगर एनी सम रिसीव्ड अंडर स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई अगर स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी से हमको कुछ मिलता है या इंक्लूडिंग उसका बोनस, तो वो केस में भी वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, प्रोवाइडेड अगर वो टैक्सेबल नहीं हुआ है सैलरी और बिजनेस इनकम। कोई इनकम अगर हमको मिला, इनकम बाय ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमको रिसीव हो रहा है, कोई कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन का ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट भी आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। अगर कोई एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ, ईएसआई, सुपर एनुएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉयज, अगर इसका जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई, सुपर एनुएशन फॉर एनी अदर फंड फॉर वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉयज, अगर वो हम पहले से उसको हम नहीं लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, तो वो भी आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये स्पेसिफिकली बताया गया है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। कोई अगर हम कैपिटल एसेट सेल करने के लिए कोई निगोशिएशन कर रहे थे और निगोशिएशन हमारा फेल हो गया, और कैपिटल एसेट के लिए हम कुछ एडवांस भी रिसीव किए थे, तो निगोशिएशन फेल होने से जो हम एडवांस रिसीव किए थे कैपिटल एसेट के लिए, उसको हम फॉरफिट कर दिए, हम वो एडवांस और वापस नहीं देंगे, या कैपिटल एसेट भी हम सप्लाई नहीं किए, ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, तो वो केस में जो एडवांस मिला था, जो हम फॉरफिट कर दिए, वो भी इनकम ट्रीट किया जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। अगर कोई कंपनी, इंडियन कंपनी, अगर जिसमें पब्लिक्स आर नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, अगर वो कंपनी कोई शेयर इशू करता है, शेयर प्रीमियम विथ प्रीमियम इशू करता है, शेयर इशूड एट ए प्रीमियम, तो वो केस में जो मार्केट वैल्यू रहेगा उसका, फेयर मार्केट वैल्यू से अगर ज़्यादा उसको जो भी पैसा मिलता है वो होगा इनकम ट्रीट किया जाएगा, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम एक एग्जांपल लेके ये समझते हैं। सपोज कोई कंपनी का
से फेयर वैल्यू जो शेयर वो इशू कर रहा है, सॉरी जो जो इशू कर रहा है शेयर उसका फेस वैल्यू है से ₹10, जो इशू करेगा जो कंपनी जो इशू कर रहा है शेयर उसका फेस वैल्यू है ₹10, लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू वो शेयर का है से ₹100 है, लेकिन वो जो कंपनी इशू कर रहा है वो प्रीमियम में इशू कर रहा है ₹150 में इशू कर रहा है, तो उसका फेस वैल्यू ₹10 है, फेयर मार्केट वैल्यू से ₹100 है, और जो इशू कर रहा है शेयर जो इशू कर रहा है कंपनी रेसिडेंट को कर रहा है, इसमें और एक कंडीशन है जो शेयर इशू होगा रेसिडेंट को होगा, वो रेसिडेंट को इशू कर रहा है ₹150 में, तो ये केस में क्या होगा, जो हम ₹150 माइनस ₹100 जो हम जो सेल कर रहे हैं प्रीमियम में ₹150 माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ₹100, तो ₹50 पर शेयर वो हो जाएगा इनकम। तो जो कंसिडरेशन हम मिलेगा, जो शेयर हम इशू कर रहे हैं ये जो ₹50 पर शेयर जो भी हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा इनकम, और आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। तो नेक्स्ट क्या है ना, एनी कंपेंसेशन ड्यू और रिसीव्ड बाय ए पर्सन, अगर कोई कोई ये इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई ये कोई पर्सन का कोई आदमी का उसका एम्प्लॉयमेंट चला गया, उसके लिए कंपनी से कुछ उसको जो भी पैसा मिलेगा कंपनसेशन, वो भी टैक्सेबल होगा। कहाँ पे टैक्सेबल होगा, कौन सा हेड में होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। अगर कभी हमको कोई ये गिफ्ट मिलता है, मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 ऑन और आफ्टर 1/4/2017, 1/4/2017 में इसलिए मेंशन किया हूँ, उससे पहले भी ये टैक्सेबल होता था क्योंकि वो पुराना प्रोविजन है, तो हम आजन जो प्रोविजन है वो डिस्कस करेंगे, इसलिए 1/4/2017 का बाद जो प्रोविजन है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हमको कोई मनी मिल रहा है, कोई पैसा मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो वो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन उसका जो कंडीशन है 50,000 का ऊपर होने से वो टैक्सेबल होगा, 50,000 तक वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 वो टैक्सेबल होगा, जितना अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। सपोज हमको 60,000 मिला है, टोटल जो हमको गिफ्ट मिला है, कैश मिला है, वो सब 50,000 से ऊपर है से 60,000 मिला है, तो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा 60,000। ये 50,000 एग्जम्पशन नहीं है, अप टू 50,000 टैक्सेबल नहीं है। उसका मतलब अगर आपका 45,000 आपको मिला, ये कोई गिफ्ट मिला है, कैश मिला है, तो वो केस में 45,000 तक वो टैक्सेबल नहीं होगा, अप टू 50,000 टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन 50,000 एग्जम्पशन नहीं है। अगर 50,000 से ऊपर मिलेगा तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल होगा, अगर 60,000 मिल रहा है तो 60,000 टैक्सेबल होगा, अगर 45,000 मिल रहा है तो 45,000 बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होगा। सेकंड, अगर हमको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है विदाउट कंसिडरेशन, हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो ऑन एंड आफ्टर 1/4/2017, तो वो केस में भी अगर वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000, लिमिट है 50,000, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000 देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। हम अगर एग्जाम्पल लेके देखते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है, जब भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक उसको हम स्टाम्प ड्यूटी भरते हैं, स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है ये स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होता है वो प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको असेसमेंट करके उसका ऊपर हमको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। तो जो वैल्यू का ऊपर हम स्टाम्प ड्यूटी देते हैं वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ये उसको हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू करते हैं, बोलते हैं। सपोज कोई अगर हम कोई से कोई हम कोई कोई ये कोई लैंड हम खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं, जैसे 5 लाख रुपया का हम लैंड खरीद लिए उसका ऊपर, लेकिन 5 लाख में हम तो खरीद लिए लेकिन उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से 6 लाख है, तो गवर्नमेंट का जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो वैल्यू उसको लगा रहा है स्टाम्प ड्यूटी के लिए से 6 लाख है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया वो 6 लाख। हो सकता है हमें 5 लाख का उसे हम उसको पेमेंट करके उसमें 5 लाख पेमेंट करके हम खरीद रहे हैं, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसका ऊपर जिसका ऊपर हम देंगे टैक्स वो हो गया स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। सपोज हम अगर अभी ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, सपोज हम कोई ये हमको कोई गिफ्ट में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख है, तो वो केस में 1 लाख हमारा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो 50,000 का ऊपर है, तो वो 1 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, उसको ऊपर हम टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सपोज हमको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला वो 50,000 से कम मिला, अप टू 50,000 अगर हमको मिलता है कोई, तो अप टू 50,000 अगर 50,000 का मिला भी तब भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अप टू 50,000 टैक्सेबल नहीं है।
एक्सीड 50,001 होने से टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर 45,000 का मुझे कोई प्रॉपर्टी मिला, इनवैल्यू प्रॉपर्टी जिसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45,000 का ऊपर हमको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो केस में वो होगा टैक्सेबल नहीं होगा। तो लिमिट है 50,000, अप टू 50,000 टैक्सेबल नहीं है, मोर देन 50,000 टोटल अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो अगर कोई हम नेक्स्ट अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, पहले हम ये जो डिस्कस किए विदाउट कंसिडरेशन, हम कोई पैसा नहीं दिए, अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन हम ये हमको मिला है, तो वो केस में कैसे कैलकुलेशन होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। से इसमें क्या होगा, जब हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमको मिला विथ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/17, तो वो केस में क्या होगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कंसिडरेशन बाय 10% and difference between stamp duty value and consideration exceeds 50,000, then difference between stamp duty value and consideration is taxable। ये हम एक example देके समझते हैं इसका meaning क्या है। Suppose हम कोई immovable property purchase किए, suppose उसको हम 5 lakhs में purchase किए कोई immovable property, लेकिन उसका अगर जो stamp duty value, जो value का ऊपर हमको central government या state government को stamp duty भरना है, suppose उसका value हो गया 6 lakhs, हम परचेज की हम जो पेमेंट किए हैं 5 lakh पेमेंट किए हैं, कंसिडरेशन हम 5 lakh दिए लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया 6 lakhs, तो ये केस में क्या होगा, तो हमारा जो स्टाम्प ये जो हम जो कंसिडरेशन पेमेंट कितना किए 5 lakhs किए, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना हो गया 6 lakhs हुआ। अभी जो हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन से 10% से ज़्यादा है या नहीं, मेरा कंसिडरेशन था 5 lakhs, उसका 10% हो गया 50,000, तो 5,50,000 से ये ज़्यादा है, जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 6 lakhs हो गया, तो 5,50,000 से ज़्यादा है मतलब 10% जो हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन से मोर देन एक्सीड्स बाय 10%, तो ये 6 lakhs हो गया। लेकिन अभी जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और हमारा जो कंसिडरेशन उसमें जो डिफरेंस है कितना है, 50,000 से ज़्यादा है या 50,000 से कम है, तो ये केस में अगर 5 lakhs मेरा कंसिडरेशन, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 6 lakhs, तो मेरा जो डिफरेंस हो गया 1 lakh हो गया। तो ये दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, जो पहले हमको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना देखना पड़ेगा, हमारा कंसिडरेशन हम कितना दे रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा, उसका गैप कितना देखना पड़ेगा, और दोनों में जो हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन का कितना परसेंट हायर है वो भी चेक करना पड़ेगा। ये जो हम एग्जाम्पल लिए, तो ये केस में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा कंसिडरेशन से मोर देन 10% है, और जो डिफरेंस बिटवीन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन 1 lakh हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये केस में डिफरेंस बिटवीन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज टैक्सेबल। तो मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 6 lakhs, मेरा कंसिडरेशन 5 lakhs, तो 6 lakhs माइनस 5 lakhs इक्वल टू 1 lakh, 1 lakh मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज वो मेरा जो 5 lakhs का जो मैं प्रॉपर्टी परचेज किया हूँ, जो कंसिडरेशन दिया हूँ, पैसा दिया हूँ, सपोज उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 5,40,000 हुआ। पहला हम जो एग्जांपल लिए थे 6 lakhs था, अभी हम सपोज हम लेंगे जो हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 5,40,000 है, ये केस में क्या हुआ ना, 5,40,000 होने से क्या होगा, वो जो डिफरेंस हो गया मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और मेरा जो ये कंसिडरेशन, ये बीच में डिफरेंस हो गया 40,000, तो वो केस में और मेरा कंसिडरेशन भी ये जो इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मेरा कंसिडरेशन 10% से ज़्यादा नहीं है, तो ये केस में क्या होगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर हम और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरा 3 lakhs में कोई परचेज किया हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज किया जिसका मेरा जो मैं कंसिडरेशन दिया हूँ 3 lakhs दिया हूँ, लेकिन मेरा उसमें स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मेरा उसमें सपोज स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया 3,40,000, मैं 3 lakhs का मैंने परचेज किया, मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया 3,40,000 है, तो ये केस में क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, मेरा अभी क्या हुआ, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मेरा हो गया 3,40,000 और लेकिन कंसिडरेशन मैं जो परचेज किया हूँ 3 lakhs है, तो मेरा ये क्या 10% से ज़्यादा हो रहा है, मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या कंसिडरेशन से 10% से ज़्यादा हो रहा है, एक्सीड कर रहा है 10% से ज़्यादा, यस 3 lakhs का 10% हो गया 30,000, तो 3,30,000 से ज़्यादा है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, 3,40,000 हो गया, तो मेरा ये जो पहला कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, क्या ना मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स कंसिडरेशन बाई 10%, क्योंकि वो 3,40,000 हो गया। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन एक्सीड 50,000, लेकिन मेरा
क्या ये सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है? मेरा सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया 3,40,000, मेरा कंसिडरेशन है 3 लाख, डिफरेंस हो रहा है 40,000, क्योंकि वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वो केस में मेरा टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना है, पहले ये 10% से ज़्यादा होना चाहिए, और जो गैप है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन, उसका गैप 50,000 से ज़्यादा होगा, दो कंडीशन फुलफिल होता है तब जाके टैक्सेबल होगा। अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन ये जो हम अभी जो डिस्कस किए 10% ये एक्सेड होना चाहिए, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सेड कंसिडरेशन बाई 10% असेसमेंट ईयर 1920 और 2021 के लिए ये जो परसेंटेज 10 का जगह में 5% था। अभी हम देखेंगे जो अदर असेट, अगर हमको इमूवेबल नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है वो केस में कैसा कैसे हमको ट्रीट करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमको कैसे लेना है। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हमको मिला है विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन में हमको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है वो केस में रिसीव्ड ऑन एंड आफ्टर 1/4/17, तो हम वो केस में कैसे कैलकुलेशन होगा, वो टाइम हम फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो वो केस में हमारा जितना भी हमारा फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो टोटल होल ऑफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा वो होगा टैक्सेबल। अगर फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का हो गया 60,000 तो 60,000 होगा टैक्सेबल। अगर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू जो हमको प्रॉपर्टी मिला है अगर से वो 40,000 हो गया तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो 50,000 का ऊपर अगर फेयर मार्केट वैल्यू हो गया तो वो केस में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हो गया विदाउट कंसिडरेशन। अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी हमको जो मिला है हम कुछ पैसा दिए हैं विथ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन एंड आफ्टर 1/4/17 वो केस में क्या है, वो केस में भी पहले मूवेबल प्रॉपर्टी का हमको देखना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अगर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड्स कंसिडरेशन बाई 50,000 देन डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज टैक्सेबल। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर से सपोज हम कोई प्रॉपर्टी खरीद ये कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हम खरीदें, उसके लिए हम सपोज हम उसको 5,00,000 रुपया में वो मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की, लेकिन उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 6 लाख हो गया। 5 लाख में हम परचेज किए, फेयर मार्केट वैल्यू हो गया 6 लाख, तो फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन के बीच में गैप कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया ना, 6 लाख माइनस 5 लाख हो गया 1 लाख, क्योंकि वो 50,000 से ज़्यादा है वो हो जाएगा टैक्सेबल। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, 1 लाख, 1 लाख टैक्सेबल होगा डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन, वो दोनों का गैप जितना है वही होगा टैक्सेबल। सपोज हम जो मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज किए उसका कंसिडरेशन दिए 5 लाख, लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू सपोज हो 5,40,000 है, अगर 5,40,000 होता है तो वो केस में क्या होगा। अगर हम डिफरेंस देखेंगे, हमारा फेयर मार्केट वैल्यू 5,40,000, अगर हम जो परचेज किए थे उसका जो कंसिडरेशन हम दिए हैं 5 लाख, तो डिफरेंस कितना हुआ, 40,000 हुआ। अगर 40,000 होता है तो वो एक्सीड 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो वो केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम डिस्कस किए ये जो ए बी सी डी, ये जो कोई गिफ्ट मिलेगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, या मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन, ये जो हम अभी डिस्कस किए हमारा टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का अंडर ये हेड में। तो लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, कभी अगर हम इस कुछ आदमी से अगर हमको मिलता है कुछ कंडीशन में अगर ये सब हमको मिलता है, ये जो कोई गिफ्ट मिलता है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है विथ कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन मिलता है, तो वो केस में कुछ एग्जम्पशन है, वो केस में हमको ये टैक्सेबल नहीं होगा। वो क्या है, अगर हम वो जो अभी हम डिस्कस किए हैं कोई हमको गिफ्ट मिल रहा है या कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है मूवेबल या इमूवेबल विथ कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, अगर वो कोई रिलेटिव से मिल रहा है तो वो केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। रिलेटिव क्या है, रिलेटिव डिफाइन किया गया है, रिलेटिव क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल केस के लिए, अगर इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव क्या है, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, उसका भाई बहन, ये जो इंडिविजुअल का ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, उस स्पाउस का ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, एनी लिनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, एनी लिनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू आइटम बी टू एफ, इनका स्पाउस भी इंक्लूड होता है। ये सॉरी
तो ये केस में जो जो रिलेटिव है इसको डिफाइन किया गया। अगर ये लोग से हमको कोई मिलता है, कोई भी गिफ्ट मिलता है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है, विद कंसिडर मिलता है, विदाउट कंसिडरेशन मिलता है, अगर हमारा रिलेटिव से मिलता है, वो केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन रिलेटिव डिफाइन किया गया, हम अगर ऐसे बोलेंगे हमारा कोई, हम उसको मानते हैं रिलेटिव, वो हमारा रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन में नहीं आते, इसमें वो नहीं आते, तो उनसे मिलने से वो टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ ये जो बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट का हिसाब से, वो जो डिफाइन किया गया है, उन लोग से जब हमको मिलेगा तब जाके हम ये उसका वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन और कोई रिलेटिव से मिले, अगर हमको कुछ मिलता है, गिफ्ट मिलता है या कोई प्रॉपर्टी मिलता है जो इसमें डिफाइन नहीं है, तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन ये हो गया इंडिविजुअल केस में। HUF केस में क्या होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में क्या होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितना मेंबर होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने मेंबर्स है, सब मेंबर्स को ट्रीट किया जाएगा। एनी मेंबर, कोई भी मेंबर्स को ट्रीट किया जाएगा रिलेटिव। अगर कोई मेंबर से कुछ मिल रहा है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में, तो वो केस में उसको भी रिलेटिव ट्रीट किया जाएगा। और ये रिलेटिव किसके केस में हो सकता है, इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रिलेटिव हो सकता है। कोई कंपनी है या कोई फार्म है या और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रिलेटिव नहीं हो सकता। ये सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के लिए ये रिलेटिव का कंसेप्ट आएगा। कंपनी एनी ऑर्गेनाइजेशन फार्म है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, उन लोग का रिलेटिव नहीं होगा। तो सिर्फ ये जो रिलेटिव का केस कहाँ पे होगा, इंडिविजुअल एंड HUF। और किसी से अगर हमको मिलेगा कोई, ये जो अभी हम डिस्कस किए थे, कोई गिफ्ट मिलेगा या कोई असेट मिलेगा, वो ये मूवेबल हो इमूवेबल हो, और किससे मिलने से वो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, अगर कोई मैरिज गिफ्ट मिल रहा है किसी को, किसी से भी मिल रहा है, वो केस में कोई अगर हम गिफ्ट मिला है, कोई प्रॉपर्टी मिला है, मूवेबल हो इमूवेबल हो, विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, वो केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन इधर कंडीशन क्या है, ये रिलेटिव का कोई कंडीशन नहीं, ये अलग है फ्रॉम एनी रिलेटिव, ये अलग है। वो सेकेंड, जब सेकेंड हमारा क्या है, किससे मिलने से नहीं होगा, जब अगर मैरिज ओकेजन में कुछ मिलता है किसी को, तो वो केस में जो भी मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर इसका बर्थडे में कुछ मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। इसका मैरिज एनिवर्सरी में कुछ गिफ्ट मिल रहा है या कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है, वो टैक्सेबल होगा। ओनली मैरिज, मैरिज के टाइम में अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है या कोई गिफ्ट मिल रहा है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अंडर एन विल, अंडर ए विल, अगर कोई कोई पर्सन, कोई आदमी विल किया है, वो अगर गुजर जाने का बाद कोई प्रॉपर्टी किसी को मिल रहा है, वो केस में अंडर एन विल अगर कोई मिल रहा है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर बाई वे ऑफ इनहेरिटेंस, सपोज कोई कोई आदमी का देहांत हो गया, उसका बेटा बेटी को जो मिला है उसका प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, वो इनहेरिटेंस से मिला है, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। या कोई हम लोकल अथॉरिटी से मिल रहा है जो ये सेक्शन 10 में है, मतलब वो टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। ऐसा भी अगर कोई हमको मिल रहा है इनकम, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। या कोई हम अगर कोई एनी फंड और फाउंडेशन, अगर हम कोई अमाउंट हमको मिल रहा है फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर टू क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10। ये सेक्शन 10 होता है, 10 में जो बताया गया है, जो इनकम टैक्सेबल नहीं है अदर टोटल इनकम में, वो नहीं आएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो ऐसे अगर कोई हम मिल रहा है, कोई ये कोई फंड से मिल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, जो ये सेक्शन 10 का अंडर में, सेक्शन 10 23C, सबसेक्शन 23C में आ रहा है, वो केस में भी अगर कुछ मिल रहा है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। या कोई हमारे रिलीजियस, सॉरी, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, अंडर सेक्शन 12A, सेक्शन 12A, सेक्शन 12A, 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 12
तो भी वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 10 होता है क्या, जिस जो जो इनकम टैक्सेबल पहले से नहीं होता है, इनकम में वो नहीं आएगा, तो अगर वो मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी वो नहीं आएगा। कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से कुछ मिल रहा है तो वो भी नहीं आएगा। तो अगर कोई कोई अगर इंडिविजुअल अगर कोई इंडिविजुअल उसका एक ट्रस्ट क्रिएट किया है, वो ट्रस्ट किसके लिए क्रिएट किया है, वो ऐसे क्रिएट किया जो ट्रस्ट किया उसमें से जो बेनिफिट मिलेगा उसका रिलेटिव को मिलेगा। वो जो ट्रस्ट कोई इंडिविजुअल ये क्या है ट्रस्ट के ये फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाई ए ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश सोलली फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। तो वो जो इंडिविजुअल जो ट्रस्ट क्रिएट किया है उसमें से जो बेनिफिट मिलेगा उसको रिलेटिव को मिलेगा।
तो वो केस में भी उसमें से जो भी बेनिफिट मिलेगा वो भी टैक्सेबल नहीं है। अगर अभी अभी जो अगर कोई एक्सपेंसेस जो कोविड एक्सपेंसेस अगर कोई कोई आसेसी कोई कोविड एक्सपेंसेस किया है उसको रिइम्बर्समेंट हो रहा है, उसको एक्सपेंसेस किससे मिल जा रहा है, या उस वो केस में भी जो कोविड एक्सपेंसेस अगर कोई पैसा मिल जाता है वो किससे, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। वो केस में जो कोविड एक्सपेंसेस वो खर्चा किया उसके लिए खर्चा कर सकता है, उसका कोई फैमिली मेंबर के लिए खर्चा कर सकता है, अगर वो पैसा भी कोई कोविड एक्सपेंसेस से मिल जाता है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर कोई कोविड में कोई कोई आदमी का देहांत हो गया उसके लिए एम्प्लॉयर से मिल रहा है कोई पैसा या और किसी से मिल रहा है पैसा, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा विथ ए लिमिट ऑफ 10 लाख। तो ये जो केसेस है अगर ये लोग से कुछ मिलेगा या कंडीशन में मिलेगा कुछ ऐसा भी जो अमाउंट हमको मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा, वो उसको वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो अभी हम जो डिस्कस किए अगर इन नटसेल अगर दोबारा उसको हम डिस्कस करते हैं, तो कोई रिलेटिव से जो मिलेगा मैरिज फंक्शन का टाइम में जो मिलेगा, अंडर विल में कुछ मिलेगा या इनहेरिटेंस में मिलेगा, कोई लोकल अथॉरिटी से मिलेगा, कोई ये 1023 मेरा जो इनकम पहले से टैक्सेबल नहीं होता 1023 या 10 अंडर सेक्शन 10 का अंडर में कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई फाउंडेशन है, कोई यूनिवर्सिटी है उसमें से मिलेगा, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट मिलेगा, या कोई कोई अगर कोई ट्रस्ट बनाया गया है कोई रिलेटिव के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया उसका बेनिफिट सिर्फ रिलेटिव को मिलेगा, तो वो केस में, या अगर अभी जो कोई कोविड एक्सपेंसेस है कोविड एक्सपेंसेस हमको मिला है या किसी का कुछ देहांत हो गया उसके लिए उसका एम्प्लॉयर से या और किसी से पैसा मिला है, कोविड में देहांत हो गया, कोविड में वो देहांत हो गया उसके लिए कोई पैसा मिला है विथ ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10 लाख, तो ये सब केस में कोई जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। अभी हमारा जो जो हमारा अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो हम लेंगे उसमें से कुछ हमको डिडक्शन भी मिलेगा, ये इनकम का अगेंस्ट में कुछ डिडक्शन मिलेगा। वो डिडक्शन क्या है, तो अगर कोई डिविडेंड इनकम या इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स, अगर हम कोई लोन लेके अगर हम कोई शेयर में इन्वेस्ट किए हैं या म्यूचुअल फंड यूनिट्स में इन्वेस्ट किए हैं, तो जो हम उसमें जो इंटरेस्ट आएगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। कितना तक नहीं होगा, कितना तक हमको डिडक्शन मिलेगा, अगर हम इनकम का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ इनकम, तो अगर हम कोई हम लोन लेके कोई इक्विटी शेयर में या कोई शेयर में हम इन्वेस्ट किए हैं या कोई म्यूचुअल फंड ये यूनिट हम खरीदें उसमें से जो इनकम आ रहा है डिविडेंड इनकम आ रहा है या इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स, जितना इनकम आएगा उसका मैक्सिमम 20% तक एक्सपेंसेस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिडक्शन मिलेगा। सपोज अगर हमारा इनकम 1 लाख है तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मैक्सिमम 20,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस हो सकता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 50,000, लेकिन 50,000 तक नहीं मिलेगा, उसका लिमिट दिया गया है। जो भी इनकम मिलेगा डिविडेंड इनकम या इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स उसका मैक्सिमम 20% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये डिडक्शन का बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के बाद और कोई एक्सपेंसेस का कोई और कुछ डिडक्शन डिविडेंड इनकम और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स केस में नहीं मिलेगा। जब हम कोई पहले हम जो डिस्कस किए थे इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर लेट एंड हायर इंक्लूडिंग वो बिल्डिंग का जो भी अगर वो इनसेपरेबल है मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर का साथ जब हम देते हैं वो केस में डिडक्शन क्या मिलेगा, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस डिप्रिसिएशन, ये जो मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर का उसके लिए जो रिपेयर मेंटेनेंस होगा या बिल्डिंग का जो रिपेयर मेंटेनेंस होगा इंश्योरेंस लगेगा या डिप्रिसिएशन होगा वो डिडक्शन मिलेगा। जब अगर कोई हम इनकम बाई वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस कंपेंसेशन, अगर हम कोई इंटरेस्ट हमको मिलता है उसका 50% ऑफ द इंटरेस्ट हमको डिडक्शन भी मिलेगा। अगर कोई फैमिली पेंशन मिल रहा है तो फैमिली पेंशन मिलने जब मिलता है वो टाइम में भी एग्जम्पशन हमको क्या मिलेगा, क्या डिडक्शन मिलेगा, ₹50,000 और 1/3 ऑफ पेंशन व्हिच एवर इज लोअर। हमको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना पेंशन मिल रहा है 1/3 उसका कितना होगा और ये 15,000, इन दोनों में जो कम होगा वही हमको डिडक्शन मिलेगा। ये फैमिली पेंशन केस में 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन व्हिच एवर इज लोअर वो उतना ही हमको डिडक्शन मिलेगा। एनी अदर एक्सपेंसेस एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम, अगर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर कोई हम इनकम अर्न करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली हम उसको यूज कर रहे हैं वो भी एग्जम्पशन हमको मिलेगा, डिडक्शन
मिलेगा। लेकिन ये जो डिविडेंड इनकम का केस में, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स में, ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मिलेगा, दैट टू नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ इनकम। उसको छोड़ के और कोई अदर एक्सपेंसेस अगर भी हम स्पेंड किए हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई, उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में और कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।